सारे प्यारे दर्शकों, प्यार भरी सत श्री अकाल। अज असी एक प्रोग्राम लेके हुए, प्रोग्राम जिहदा नाम है चौण दंगल 2022 लेके पेश हुए हैं। तो मैं शमशेर बग्गा, मेरे नाल मेरे सहयोगी बिक्रमजीत सिंह जी। बिक्रमजीत सिंह जी, अज असी एक खास चर्चा की गल कर जा रहे हैं, क्योंकि चर्चा भी क्यों ना हो, क्योंकि चर्चा ही अजी आ रही ने। तो किसान वालों भी एक ऐलान कर दिता भी आप भी चोण देखो जी, जरा विधानसभा चोणा 2022 एक मतलब की राजनीति परखण मतलब की लोगों की जी देखा जाए तो राजनीति का बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता जी। 2022 है, चोण दंगल भगता जा रहा, दिन पर दिन नवी पार्टियां बनदिया जा रही जी। ठीक है जी, नवे नवे जिदा हूँ किसान वालों ही आए, मतलब कि जमीनी पद्धर से बहुत बदलाव लेके आ सकता जी। दूजी गल एक होर है, किसान वालों ऐलान तो कर दिए गए, अब मैं पता लग्या भी जिहड़ियां जथेबंदियां दी मीटिंग हुई सी, मीटिंग का नतीजे भी असं देख रहे हैं भी बिल्कुल नवे ऐलान जिहड़े किए गए ने, जिदे विच साढ़े जिहड़े राजेवाल साहब नूं जिहड़ा मुख चेहरा ऐलाना गया। तो पर कांग्रेस और पार्टी और थोड़ी दूजी पार्टियां जिहड़ियां उन्हों का जरा कार्यकाल तो लंबा है, पर लेकिन कहने का मतलब लोगों का विश्वास थोड़ा घटता जा रहा, क्योंकि लारे लाने भी माड़ी गल है। ठीक है, जिदा हूँ देखा जाए तो जी जरा किसानों की भी पूरी तरह एकजुटता नहीं हैगी जी। जिदा हूँ 32 किसान जथेबंदियां सीगियां, उदों चो भी 22 ने ऐलान किया कि असं चोण मैदान खोलना। जिदा हूँ बड़ी जथेबंदियां ग्रह जथेबंदियां जी, ठीक है जी, सुरजीत सिंह फूल वर्गे बड़े नेता है, वह कह रहे हैं जी नहीं असं चोणा तो बहुत जिवें रोपड़ दे विच काफी आम आदमी पार्टी की भी चर्चा छिड़ी हुई है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का विधायक होने दे नाल रोपड़ का विकास नहीं होया। ते दूजी गल एक होर है, साढ़े जिहड़े रोपड़ जिले के सरपंचां वालों भी काफ़ी इतराज भी जताया है भी उन्हां नूं जिहड़ा मुख्यमंत्री वालों जिहड़ा कोई भी ग्रांट दे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जी। हाँ, कल उन्होंने भी कोई ग्रांट नहीं जारी हुई जी, पर मुख्यमंत्री साहब नूं भी चाहिए भी अपना रोपड़ जिले के जिदा जी हुण नेड़े अपना हलका जी चमकौर साहब आ, मुख्यमंत्री वालों ग्रांटा ढेर मंडे जा रहे, राणा के पी स्पीकर दा हलका जी उत्थे नंगल बरसाती वरखा वाला काम है, कहंदे वी बट्टे नाल बन्नना ते जिहड़ा रोपड़ विचाले पिया जी ओनू अणगोलिया कीता जा रहा जी। इह गल सच है, रोपड़ दी हालत बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा, सड़कां नालियां गलियां टुटियां पईयां सारी, 20-25 साल तकरीबन पिछे जा चुक्या जी, जिहड़े पिछले 5 साल लंघे आ जी। जी जी जी, पर यह जिहड़ियां गल्लां है मुख्यमंत्री साहब नूं भी चाहिए भी विकास वल ध्यान दवे, पर जिहड़ा हुण इस वेले तां इक्को ही गल बनी हुई है 2022 मैं मेरे हिसाब नाल तां अकाली दल भी यही कह रहा भी जे जिहड़े कम रह गए आपां साडी सरकार रिपीट हो दुबारे होणी है ते उहदे च कर लांगे। कल साडे ओपी सोनी जी जिहड़े उप मुख्यमंत्री जिहड़े रोपड़ आए सीगे सरकारी होस्पिटल दे विच, जिन्हां ने एक बहुत वड्डी लैब दा जिहड़ा उद्घाटन कीता, पर लेकिन किहड़ा मंत्री किहड़ी सरकार किदां होणी इहदे बारे असीं भी कोई भी किसी भी किस्म दा कैस नहीं लगा सकते। पर थोड़े बाबा जी एक मैं देखिया भी वह भी काफ़ी भविखबाणी करते हैं, पहले दिल्ली वास्ते भी करती हूँ क्या नाम बाबा बाबा गुरविंदर सिंह है जी। अच्छा, उन्होंने जी का भविखबाणी हुई भी दिल्ली मोर्चा फतेह होगा जी, हो गया ठीक है जी। तो हूँ उन्होंने नवी भविखबाणी करती, कहें जो 2022 च आने वाली सरकार श्रोमणी अकाली दल बसपा के गठजोड़ कुछ नहीं कह सकते जी, तो जिदा मतलब की उन्होंने पहली इधर थोड़े मुख्यमंत्री साहब साढ़े ब्यास वाले बाबा जी को बाबा जी उन्होंने घर आए, कहते बाबा जी दसणगे वोट किहनूं पाउणी।
गुरमीत सिंह पार्टी भी फटे चके हुए बहुत पिंड जाके चोन जलसे जिहड़े काफ़ी देर तो करदा रहा तो उन्हों एक साढ़े इलाके का भी एक उम्मीदवार हैगा तो साढ़े दावेदारी तो साढ़े नौजवान बड़ी कर रहे हैं भी असं क्यों ना लीए टिकट क्यों लीए जिमें कि सतिंदर सिंह हरीपुरा कल भाषण भी बड़ा वधिया दिता उन्हें ठीक है जी जिदा मतलब कि इन्हां दे कांग्रेस दा ना ते आम आदमी पार्टी दा कोई एक लीडर नहीं हैगा जिदा कम्युनिटी देख लो जी कोई विरोध नहीं डॉक्टर चीमा दा कांग्रेस पार्टी वाले इधर ताजपोशी कर रहे हैं उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं किन्ने धड़े बन गए ना किन्ने धड़े बन गए जी बिल्कुल जमीनी पद्धर ते मतलब कि एकजुटता प्रगटावा नहीं है लेकिन एक गल हो रहा है जिहड़ा वोटर है ना वोटर तां उहनूं किसी नाल मतलब नहीं है ना वो सभा च जावे ना इहदे च जावे उहनां दा इको मकसद है जिथे वोट पाउणी उथे पाउणी है जी जिहड़ी पक्की वोट आ उह कदे हिल्दी नहीं हुंदी कहिंदे नहीं हुंदे सियाणे जी उह गल देखिआ जावे तां बहुत बस एक गल हो रही जी जिहड़ा साडा जिहड़ा इस वेले जिहड़ा समां जिहड़ा डिजिटल हो चुके है सारा कुछ सोशल मीडिया के नाल असी हर एक जानकारी जी लोगों तक पहुँच लोगों तक जी हूँ तो लोग बहुत अवेयर हो चुके हैं जी ठीक है जी प्रोग्राम कितने बाद चलता हूँ लाइव अगला पहला देख पहला देख लगा सोशल मीडिया का बहुत अहम भूमिका निभा रही है जी सोशल बहुत ज़्यादा तो 2022 के असी एक गल होर भी हैगी है काफ़ी जिहड़ियां दूजियां पार्टियां दे उम्मीदवारां दे ऐलान भी हो चुके हैं तो जल्द ही लगता भी वह भी हर एक बंदा अपना अपना जोर लाउंदा वोट वास्ते पर श्रोमणी अकाली दल वालों जिवें कि साढ़े रोपड़ तो चीमा साहब जिहड़े विरोध भी नहीं है विरोध भी देखा जाए हाँ दूजी गल साढ़े आम आदमी पार्टी वालों भी सुरे आनंदपुर साहब तो जिहड़े नवें हरजोत सिंह बैंस वह भी लिया के बाहरों वैसे दस्या तो जा रहा भी बाहरों लिया के पर विरोध तो जारी है पर जे थोड़े श्रोमणी अकाली दल ते बहुजन समाज पार्टी के सारे उम्मीदवार भी उन्होंने ऐलान कर दिता नितिन नंदा जी नितिन नंदा जी जिहड़े कि समाज सेवी है तो काफ़ी मुंडे दे विच टैलेंट है तो दूजी गल एक होर है भी चलो पिछली बारी उन्होंने चोण आजाद भी लड़ी सी तो आजाद चोण के भी काफ़ी वधिया उन्होंने वोटां हासिल कीतियां सी तो पर एक गल होर भी है साडे इलाके दे विच जिहड़े पुराने साडे कांग्रसी राणा केपीसी जिन्हों का जरा इलाके मैं घूम के दौरा किया अच्छे काम उन्होंने किए है पर उन्होंने दोष ये भी ला रहे हैं चन्नी दे उन्होंने बिजली राणा अपने वालों पैसे ले गया उधर शामपुरी पर लेकिन जिहड़ा जनता का पैसा है जनता नूं ही मिलना चाहिए जनता नूं भी फायदा होना चाहिए क्योंकि जनता बहुत बड़ी चीज़ है तो साडी जनता सुखी है प्रजा सुखी है तो असीं भी सुखी है पर दूजी गल एक होर है मैं एक गल हर प्रोग्राम कहने की कोशिश करदा बई अज इन्हां दा इदां दा समां हो गया भी बच्चे घर दे विच बाप दी पुत नाल धी दी मां नाल रिश्तेदार दे तार तार हो रहे हैं क्योंकि गुस्सा इन्ना ज़्यादा है लोगों के बच्चों के अच्छा पहला बच्चे होंगे सके चार चार पाँच पाँच छे छे बच्चे होंगे सके बाप का इन्ना डर होंगे वो ये बढ़ के रख देंगे
ਪਰ ਅੱਜ ਵੱਢ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਬਾਪੂ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਬਾਪੂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੰਡਾ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 50-60 ਸਾਲ ਦੀ ਬਾਅਦ ਉਮਰ ਦੀ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ 5,000 ਰੁਪਈਆ ਪੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਵੇ ਨਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਅੱਜ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਰੀ ਆ ਜੀ ਕਿੰਨੇ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਜੀ ਜੇ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਪੈਸਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਆ ਜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਕਦੋਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਫੜ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੈਸੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਲੇਕਿਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ 2022 ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸਾਡੀ ਅਪਡੇਟਸ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਖੇਰੂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਖੇਰੂ ਤੇ ਖੇਰੂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਪਰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਤੀਜੇ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਕੌਣ ਖੇਰੂ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸੀ ਤੇ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਦੰਗਲ ਚੋਣ ਦੰਗਲ 2022 ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵਿਕਰਮ ਜੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਬੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਂਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।